हेलो गाइस, मैं आपका साथी, आपका दोस्त, एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में HSSC ने JEE सिविल का रिज़ल्ट दिया था, और अब इन्होंने JEE मैकेनिकल और हॉर्टिकल्चर का भी रिज़ल्ट दे दिया है। तो आप इसे HSSC की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप इस रिज़ल्ट को वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की यहाँ पर एलोकेशन लिस्ट आ गई है रोल नंबर वाइज। और आप सभी को पता ही होगा कि अभी HSSC ने JEE सिविल के भी एलोकेशन लिस्ट जारी कर दी थी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप अपना रोल नंबर देख सकते हो, और आपके रोल नंबर के आगे आपका डिपार्टमेंट का नाम भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर टोटल 58 कैंडिडेट को डिपार्टमेंट मिल चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नोट में कि द कैंडिडेट आर इंटीमेटेड टू रिपोर्ट टू देयर कंसर्न डिपार्टमेंट फॉर ज्वाइनिंग। तो आपको ज्वाइनिंग के लिए आपके कंसर्न डिपार्टमेंट में जाकर रिपोर्ट करनी होगी। और सेकंड पॉइंट में बताया गया है, ऑल प्रोविजन ऑफ द SOP ऑन प्रिवेंटिंग मेजर टू कंटेन स्प्रेड ऑफ COVID-19 शैल बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। तो आपको गाइडलाइन दी गई है, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो इन्हें। तो चलिए, अब देखते हैं JEE हॉर्टिकल्चर के रिजल्ट के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जूनियर इंजीनियर हॉर्टिकल्चर की यहाँ पर एलोकेशन लिस्ट भी जारी कर दी गई है HSSC के द्वारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोटल 6 कैंडिडेट को यहाँ पर डिपार्टमेंट अलॉट हो चुके हैं। और नोट में भी यही बात दोहराई गई है, यहाँ पर भी द कैंडिडेट आर इंटीमेटेड टू रिपोर्ट टू देयर कंसर्न डिपार्टमेंट फॉर ज्वाइनिंग। एंड सेकेंड नोट में भी वही बात लिखी गई है कि ऑल प्रोविजन ऑफ द SOP ऑन प्रिवेंटिंग मेजर टू कंटेन स्प्रेड ऑफ COVID-19 शैल बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। तो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो JEE सिविल, JEE हॉर्टिकल्चर और JEE मैकेनिकल में जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं और जिन्हें अपना डिपार्टमेंट मिल चुका है, तो उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, उन सभी से रिक्वेस्ट है जो इसमें JEE सिविल में और JEE मैकेनिकल या फिर हॉर्टिकल्चर में सेलेक्ट नहीं हुए हैं, तो बी पेशेंस एंड नेवर गिव अप एंड कीप हार्ड वर्किंग। तो कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, क्या पता आपको इससे ज़्यादा, इससे बेहतर जॉब मिल जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आप अपना डिपार्टमेंट भी आप मुझे बता सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद।